हम अपनी आशाओं में, निराशाओं में थक जाते हैं। वो थके हुए मन को आत्मा की ओर ले जाने का पर्व ही नवरात्र पर्व है। आत्मा में जब मन विश्राम करता है तब सच में सुकून मिलता है। तो ये ध्यान का, ज्ञान का, कीर्तन भजन का समय है, इस समय का सदुपयोग करें, ठीक है ना। और मातृशक्ति हमारे भीतर बाहर सब जगह व्याप्त है, वो मातृशक्ति में निछावर करना, अपने आप को पूरा निछावर करना, समर्पण से ही समाधि लगे, संकल्प को समर्पण कर समाधि लगे। नहीं तो मन क्या है, कुछ ना कुछ शिकायत लेके दुखी हो जाता है। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दूसरा ऐसे होना चाहिए। अरे जो हो रहा है उसको देखो, जो नहीं होना चाहिए ये सोच सोच के दुखी होने से दो, वो होगा तो नहीं। जो तुम्हें करना है सो करो, हमको ये करना है वो करो, जो तुम्हारे करने की बाहर है, जो तुम्हारे हाथ के बाहर की बात हो जाती उसको सोच सोच के वो वैसा होना चाहिए, जो हो रहा है उसको लेके तो दुखी हो जाओ, तो फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, ये नरक का द्वार खुल जाता है। क्या बाकी सब लोग ऐसा होना चाहिए, दूसरे वैसे व्यवहार करें, दूसरों के व्यवहारों को देख देख के तुम दुखी हो जाते, इससे प्रगति नहीं होती। अरे एक शक्ति है, माँ की शक्ति है, बड़ी शक्ति है, वो देख लेगी, उसका काम है सबको ठीक करना। तुम थोड़ी ना ठेके लेके बैठे हो दुनिया भर के सबको ठीक करने में, सबको ठीक तो तुम कर ही नहीं सकते, कहाँ कर पाओगे। अरे खुद के मन को, खुद को ठीक नहीं कर पाओ तो सबको ठीक करने में लगे, सबको ठीक हो जाए बाकी लोग हमारे मुताबिक चले, हम जैसे चाहें वैसे सब व्यवहार करें, ये सही है ये गलत है, ये सब चीज़ें भर करके हम अपने दिमाग को खराब करते रहते दिन रात। अब ये समय है, ये सब समर्पण कर दो। इसलिए वो देवी भागवत में वो है ना, एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वाय देवी नाश, सनातन धर्म में यही है। हम भगवती को कहते, भगवती तुम्हारा काम है, मेरे वैरी को तुम देख लो, मैं नहीं कुछ करने वाला, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, तुम करो जो करना। इस तरह से समर्पण करके हम बैठते हैं, इससे समाधि लगती है और समाधि लगते सब कार्य सिद्ध होने लगता है, सब कार्य की सिद्धि का रास्ता ही यही है, मूल ही यही है, समाधि लगाओ, ध्यान करो और तुम भजन सुनते सुनते समाधि में चले जाओगे, मंत्र सुनते सुनते समाधि लग जाएगी, अपनी सारी यथाकथा सब समर्पण करके तुम समाधिस्थ हो सकते हो। जो करना है वो करके समाधि में चले जाओ, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ के समाधि में चले जाओ, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, अपने मुताबिक सब चले, ये आग्रह छोड़ के समाधि में बैठ जाओ। ऐसे समाधि में जाने के बाद ही विजय की प्राप्ति हो, तब विजयदशमी होता है। 9 दिन तक ऐसे तपस्या करे कोई, आराधना करें, समाधि लगाए, ध्यान करें, तब विजय की प्राप्ति होगी।